नहीं मैं आपको ये बताता हूँ, अब ढाबा का लोड ढाबा 350 लाइट रह रही है, लोड नहीं है। अब पाँच ढाबा में भी है, ढाबा में ढाबा में 70 रहते हैं, इसमें पाँच वोल्ट लाइटर भी नहीं, इसमें डबल है क्यों क्योंकि रात में तो कट लगता है, रात में कट लगने के बाद में अपने पास सिर्फ दिन का टाइम बचता है, उसमें भी अपने को ढाबा के 4 और संतपुरा के 2 6 फीटर अपने को चलाने पड़ते हैं। अब वो 6 फीटर अगर एक साथ चलाएँ तो वहाँ से 130 वोल्ट हो जाता है, उनको साथ ही नहीं चला सकते, इसलिए हम उनको चारों का अलग अलग टाइमिंग पर चलाते हैं। टाइमिंग पर चलाओ सिस्टम में बिठाओ, जे मैंने तो एक दिन छोड़ के दे दो, 12 घंटा दे दो, 11 दे दो, 10 दे दो, कंटिन्यूस दे दो, 4 दिन के लिए आप बोल रहे हो कंटिन्यूस अपने दिन के साथ को मुख्य तकलीफ तो नहीं होता है, और जो एक बार चाहे ऐसे सब मैंने एएमपी वाले जो बंदे हैं उनसे भी बात करी थी, सब मैंने उनको कहा मैं आपका ये कर सकते हैं कि मतलब आपके जो पीक मतलब आपका दोपहर का टाइम है जैसे 12 से 4 का, हम उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो एएमपी पे ढाणियाँ ही कहूँगी है, तो सब आप उसकी रिक्वायरमेंट है उनको फोन पे डाल, एक दिन की परेशानी समझो, एक दिन आपके साइड बंद रही, हां जरूर करो दिवाली, एक दिन दिवाली से अपने काम करते हैं कि 2 दिन आपके लाइट बंद रहेगी 8 बजे से लेके 1 बजे तक, हां और 3 बजे से 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, या पहले लिफ्ट में कर दो कोई शोर नहीं करेगा, एक दिन परेशानी ना की होता है यार, एक दिन परेशानी ना तो दो दिन की परेशानी ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, लोड करता है कोई साढ़े पिंड घंटा घंटा कर दो, घंटा हरी पूरा कर दो, घंटा हरी पूरा कर दो, बहुत घंटा पूरी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता साढ़े खेत में कुछ ना घरे से की करा के पूछने वाला गाँव काटने तो हूँ भी नहीं होती जी, हूँ भी नहीं होती, फिर एक एक घंटा काटो सा पिछली बार क्या किया, पिछली बार तो आपके दूसरे उधर से केएसडी में आप लोगों का लोड ही है ना, जोड़ने से पहले 50 एम्पियर था, आज उसके पास 125 से 130 एम्पियर आता है, 80 एम्पियर उतना और हो गया, उसमें 5 KSD 9 KSD और IDG और वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक ही है 3/15 का, तो वहाँ पर जी अगर उनको 3 ब्लॉक में चले क्योंकि उनकी भी रात में तो कटती ही है, रात में वहाँ तो ज़्यादा कटती है, कोई सतपुरा वाले ही है, सतपुरा वाले से करने पर है ना अपना यहाँ से मतलब 70-1 के लगभग का लोड उधर चला जाता है, वो जाने के बाद में अपना 120 के लगभग सब रहते हैं, चलो कोई मतलब ये सीधा निकल जाएगा, नहीं जी उसका आप लिखित में करो हम भी जाएंगे, आप लिखित में लाइन काटो, कल से आप ये करवा दो, 2-3 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा ताकि समस्या मैं यूँ कर लेंगे सब, मतलब उधर मैंने किसी बात की तो उनका चलो आपका जैसे पीक पीरियड आप कहते हो गर्मी वाला है, हाँ तो उससे टाइम पीरियड को हम छोड़ देंगे, उसके अलावा हम जैसे 7 बजे से काम शुरू कर देंगे, तो हमारे जो 4-4.5 घंटे में इकट्ठा चाहिए एक तारीख के लिए वो इकट्ठा टाइम पीरियड हो जाएगा, और उसके बाद में जैसे डिस्को वाला कोई काम होगा वो हम शाम में 2 घंटे के जब लोगों को दिख रहा है पोल पर आदमी चढ़े हुए हैं करवाते हैं इसको कोई गल नहीं है।
हमारे गांव के दो चक चल रहे माधा प्रसाद के, उनमें कोई समस्या नहीं है। तीन दिन पहले की बात है, अरे खुद ही है ना, मतलब सिर्फ दोनों पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोड होके वोल्टेज आ रही 150 शहर कमाई की बात कर रहे हैं, ई जी एस एस की बात कर रहे हैं। समस्या क्या है कि अब रात में काट दिया ना, तो क्या सारो लोड आपने दिन में चला है, तो दिन में क्या है कि मतलब सोलर है तो आप दिन में चलाओ, दिन में आपने एक साथ 100 मोटर जो कोई 70 का समस्या वाला 30 मोनो ब्लॉक है, वो मोनो ब्लॉक वाला गरीब बंदे को ना ओदी ता तन तन वाला फड़की है 15,000 तो लाता उते अजो चली नहीं जांदी ओदी। हां जी झोना ओदा पका ले, झोना तो ओदा लग गया सारा बेचारे दा। करो जी एक दो दिन च करो कम, आपके पास बैठी करना तो क्या है, बस जो सोमवार ठेकेदार है टाइम दी हूँ लगा घंटा आपके नॉलेज में है नहीं, रात में तो कोई नॉलेज में नहीं है साहब, एजेंट साहब के नॉलेज में नहीं है, इतनी बड़ी बात है। छुट्टी पर चल रहे हो, छुट्टी नहीं जी, छुट्टी